हर महीने की तरह इस महीने की शुरुआत में भी कई बदलाव होने जा रहे हैं। 1 फरवरी यानी आज से चेक पेमेंट, एटीएम समेत कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर हमारी आपकी जेब पर पड़ेगा। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक हैं, तो आपके लिए ये जरूरी खबर है। जहां बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक के लिए चेक से पेमेंट संबंधित नियम बदलने वाले हैं, तो वहीं SBI और PNB के ग्राहकों के लिए पैसों के लेन देन संबंधित बदलाव होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको इन बदलावों की पूरी जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात बैंक ऑफ बड़ौदा की करते हैं। आज से चेक क्लियरेंस से जुड़े नियम में बदलाव होने वाला है। बैंक की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 1 फरवरी से चेक पेमेंट के लिए कंफर्मेशन अनिवार्य होगा। अगर कंफर्मेशन नहीं होता है तो चेक वापस कर दिया जाएगा। बैंक ने ग्राहकों से CTS क्लियरेंस के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम की सुविधा का लाभ लेने की अपील की है। अगर आप SBI के ग्राहक हैं, तो आपको पैसे ट्रांसफर करना महंगा पड़ने वाला है। SBI की वेबसाइट के अनुसार बैंक ने 1 फरवरी 2022 से IPMS ट्रांजैक्शन में एक नया स्लैब जोड़ा है, जो 2 लाख से 5 लाख रुपए का है। अब 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच बैंक ब्रांच से IPMS के माध्यम से पैसे भेजने का शुल्क 20 रुपए प्लस GST लगेगा। पंजाब नेशनल बैंक भी आज से एक अहम नियम बदलने जा रहा है। PNB के मुताबिक अगर 1 फरवरी से आपकी किसी किश्त या निवेश का डेबिट अकाउंट में पैसा ना होने की वजह से फेल होता है, तो इसके लिए 250 रुपए देने होंगे। अभी तक इसके लिए 100 रुपए का चार्ज लगता था। अगर आप डिमांड ड्राफ्ट को कैंसिल कराते हैं, तो अब 150 रुपए देने होंगे। इसके लिए अभी 100 रुपए चार्ज लगता था। बैंक ने देश भर में हो रहे ATM फ्रॉड को रोकने के लिए भी कुछ खास नियम बनाए हैं। आज से PNB ग्राहक गैर EMV ATM मशीनों से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। इसके अलावा सरकारी तेल कंपनियां आज अलग अलग शहरों के लिए गैस सिलेंडर के लेटेस्ट रेट्स जारी करेंगी। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल TV9 भारतवर्ष डिजिटल। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए, तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।